तंदुरुस्ती विच अज असीं स्वागत करदे हां डॉक्टर विधु मॉडगिल दा। डॉक्टर साहब, अज असीं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदे हां एक बेहद सीरियस जिहड़ी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है, वो हैगी है सैक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और स्पैशली एड्स दे बारे। सारा तो पहले सानूं इह दस्सो कि कीड़ी कीड़ी बीमारियां, कीड़े कीड़े डिजीजेस ने जिहड़े सैक्शुअली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं एक पार्टनर तो दूसरे पार्टनर। एक्चुअली ये होनी चाहिए, लोगों को इस बारे नॉलेज बहुत जरूरी है जी। नाले ये नॉलेज आजकल तो स्कूल विच ही दे देनी चाहिए, बेसिक। हाँ, बेसिक ही, बिकॉज आजकल बच्चे ने एडवांस हो रहे ने। करेक्ट, बिकॉज सीइंग टीवी एंड गेटिंग कंप्यूटर, इस तो नॉलेज इतना वध रही है कि बच्चों और गलत एक्सपोजर हो रहे हैं। हाँ, गलत एक्सपोजर हो रहे हैं, तो बेटर है कि स्कूल से उन्होंने इस बारे देती जाए, एक पर्टिकुलर इवन नौवीं दसवीं के बच्चे च, अठवीं के बच्चे च इन्होंने दे सकते हैं। एक ही होंगे आपस से मिलने नाल कुछ बीमारियां आदि हैं जो एक औरत के आदमी विच हो सकती हैं जी, जिमें कि एक एड्स तो सब तो बड़ी बीमारी है, फिर आदि ने VDRL, सिफिलिस जिन्हों कहें, दैन क्लैमिडिया एक इनफेक्शन होंगे है, वो हो सकता है, हर्पीज हो सकता है। बेसिकली तो ये चार पांच बीमारियां ने जी बहुत सारी खराब पैदा कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, एड्स के बारे तो कुछ जानकारी सानू हैगी है कि यह काफ़ी सीरियस डिजीज हैगा, लेकिन बाकी जी डिजीज़ तुम दस रहे हो ये किन्ने ठीक ने, हाउ सीरियस आ दे? दे आर सीरियस बिकॉज जिमें असी हूँ नहीं हूँ यदा इन्ना वो नहीं पता चलता कि लेटर ऑन प्रॉब्लम्स करेंगे, पर जिमें कोई कपल साढ़े को आंदा है जिन्होंने हूँ बच्चा नहीं ठहरिया, जो अगे जाके होर तरह की प्रॉब्लम आदि ने, जिमें किसी दी ट्यूबा ब्लॉक हो जाए ने, तो होर प्रॉब्लम्स होंदिया ने, तो ज़्यादातर इसी कारण होंदिया ने, ये इनफेक्शन्स बाद च अपना रंग दिखाते हैं। तो बेसिकली एक पार्टनर तो जिस जिम्मे कह रहे हो कि एक पार्टनर तो दूसरे पार्टनर को होने का खतरा होता है, तो पहले पार्टनर को किमें डिजीजेज लग सकते हैं? आई मीन हाउ डू दे गेट द डिजीजेज एट होम? तो नॉर्मली तो यही होंगे कि यूजली जो एक पार्टनर दूसरे कोई इफेक्टेड पार्टनर इकट्ठे रहे हुए, तो असं कोशिश यही करते हैं लोगों को एजुकेट करने की कि मल्टीपल पार्टनर अवॉइड करने चाहिए ने। जो तुम इस तरह कर रहे हो तो बैटर है यूज़ कॉन्डोम। अजकल तो बहुत लाइक साड़ी मेरे ख्याल सरकार ही कर रही है कि कॉन्डम फ्री इस्तेमाल करने कह रही है, तो बेटर है तो यूज़ करो, प्रिकॉशन लेते प्रिकॉशन। डॉक्टर साहब, एक चीज़ दसो कि साढ़े इतने द कंफर्ट लेवल इज सो हाई कि लोग ये सोचते हैं कि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं कोई यहोजी बीमारी नहीं हो सकती जी कि मैं ट्रांसफर करा अपने दूसरे पार्टनर को। जर्नली वी डोंट बॉदर, तो आइडियली तुम ये दसो कि सानू रेगुलर चैकअप्स वास्ते जाना चाहिए या इन प्रॉब्लम्स के कोई पर्टिकुलर सिमटम्स ने जो सानू नज़र आने तो असं फॉरन चैकअप कराइए? नॉर्मली इस तरह तो नहीं किसी को यह डिजीज होंदिया ने, अनलैस तुम आप ही पता हो कि मल्टीपल पार्टनर्स, दैट इज द मेन कॉज, दैट इज द मेन कॉज। एसटीडी जी होंगी होंगी इस तरह है जो तुम इफेक्टेड पार्टनर न रहे हो, अदरवाइज थोड़ा जाके कोई इस तरह बीमारी फड़ती नहीं है। जे किसी प्रॉब्लम नाल थानू जिवें कोई लोकल जिवें अपने जेनिटेलिया कोई प्रॉब्लम लग रही है, अल्सर डेफिनेटली कोई अल्सर लग रहा है या कोई इन्फेक्शन थानू अपने आप महसूस हो रहा है, कोई डिस्चार्ज ज्यादा है, तो डेफिनेटली तुसी एक डॉक्टर नू कंसल्ट करना चाहिए। जरा जी भी अगर एबनॉर्मलिटी थानू लग रही है तो दिखाना चाहिए डॉक्टर नू। एक चीज़ हो डॉक्टर साहब कि एड्स सानू है पता है कि अगर एक पार्टनर नू है और अगे बच्चे होण ते उहनां नू होण दा खतरा हुंदा है एचआईवी, ते की होर कोई डिजीज भी हैगा जिहड़ा इन्ना ज्यादा सीवियर है कि अगे इन्फेक्शन जा सकदा है? नहीं, ज़्यादातर तो सिर्फ एड्स ही है जो तुम बच्चों को दे सकते हो। एसटीडी जो तो सिर्फ एड्स ही है। ओके, एसटीडी दे विच भी एड्स है जो ट्रांसफर हो सकता है। दसो डॉक्टर साहब, सब तो ज़्यादा जरूरी की प्रिकॉशन लेते जाए? एक तो सब तो पहला मल्टीपल पार्टनर अवॉइड करो, दूसरी गल है कि जे यूज ऑफ सम बैरियर मैथड्स, कोई कॉन्ट्रसैप्शन यूज करो डेफिनेटली, ठीक है। तो जिमें स्पेसिफिकली एड्स लिए है, सानू जे जिमें अजकल ड्रग एडिक्शन इन्नी हो रही है, एक दूसरे की नीडल्स यूज कर रहे हैं, वो लोगों को अवॉइड करना चाहिए ड्रग एडिक्शन, उत्ते उन्होंने लेक्चर देना, मतलब पता लगना चाहिए। तो ही कह रहे हैं कि बच्चों को अर्ली नॉलेज मिले तो बैटर रहता है। करेक्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली जो तुम किसी के ब्लड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, जो भी किसी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, कुछ भी होता है, वो बैटर है चेक करके किया जाए। मतलब प्रिकॉशन लेनी चाहिए, बिल्कुल सेफ चलना चाहिए, सेफ्टी बेटर है, क्योंकि ऐसा कोई इलाज तो नहीं है एड्स का। बिल्कुल, मेरा अगला क्वेश्चन यही सी कि जिवें सानू पता है कि एड्स लाइलाज बीमारी है, जिहड़ी बाकी एसटीडी डिजीजेस ने वो क्योरेबल ने? वो क्योरेबल ने जे टाइम तो उन्होंने फड़ लिया जाए या उहदा इलाज हैगा, तो पेशेंट काफ़ी ठीक नॉर्मल फील कर सकता है। वो अपनी की छाप छड़ जाते हैं ये बाद से पता चलेगा, पर डेफिनेटली वो उस वेले क्योर हो जाते हैं। और कमिंग बैक टू एड्स, तो अगर किसी नू अंदेशा है या लग रहा है कि कितना कितने एचआईवी इन्फेक्टेड, तो की टेस्ट कराना? आजकल तो ब्लड टेस्ट अवेलेबल ने, बहुत अच्छे अच्छे ब्लड टेस्ट अवेलेबल ने, जिदे नाल डेफिनेटली पता चल जाता है
वेस्टर्न ब्लॉट है, एक सिंपल एच आई वी लिए कार्ड आंदा, सब तो पहला तो वही करके देख सकते हैं। दैन देर आर अदर मैथड्स ऑल्सो अवेलेबल जो कि एक लैब जाके जा सकते हैं, तो अपना ब्लड टेस्ट आराम नाल करा सकते हैं, तो उससे थोड़ा 100% पता चल जाएगा कि तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं हो। डॉक्टर साहब, इन्होंने परेशानियों तो बचने लिए एडवाइस दिते, ये बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।